The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Commerce Pathshala and make your BCom and MCom dreams come true. Download the app now. Hey guys, कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप लोग काफी अच्छे हैं और I hope कि कल का वीडियो आपको MCU 24 का काफी पसंद आया होगा। तो आज मैं हाजिर हूँ MCU 24 के एक सेकंड टॉपिक को लेकर के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो ये एक तरीके से नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस है जो कि सारी की सारी कंपनीज को, बड़ी बड़ी यू नो जो बिजनेसेस होती हैं उनको फॉलो करनी होती हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। मैं बताता चलूं कि नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, आपके एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, असाइनमेंट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप नोट्स खरीदते हैं तो असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आप नोट्स नहीं भी लेते हैं तो भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो अगर किसी को चाहिए तो भाई फटाफट कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लो। सेकंड सेमेस्टर का असाइनमेंट्स का कॉस्ट है, उसकी एक प्राइस है। बट अगर आप नोट्स बाद में भी हमसे लेते हैं एग्जाम के पहले तो भी आपको उस टाइम पे एडजस्ट करवा दिया जाएगा। तो अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, फटाफट आकर के नोट्स को भी परचेस कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने असाइनमेंट्स को भी फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। एंड इसके अलावा जो एमकॉम फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बोलना चाहूंगा कि नोट्स आपके लिए भी अवेलेबल हैं, आप फटाफट आकर के परचेस कर सकते हैं और आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारा ऐप डाउनलोड कर लो कॉमर्स पाठशाला प्ले स्टोर से, और वहां पे आप सारी चीजों को परचेस कर सकते हैं। अगर आपको मेल पे चाहिए तो फिर आपको उसके लिए अलग मेथड से परचेस करना होगा। आप ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर पाएंगे, ठीक है? नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज के टॉपिक फिर हम स्टार्ट करते हैं जो कि है 9 प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस। तो ये नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस है जिसमें 9 प्रिंसिपल्स बताई गई है, उसके बारे में एक-एक करके बात करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल है बिजनेस शुड कंडक्ट एंड गवर्न देमसेल्फ विद एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो देखो, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है या फिर जब भी कोई काम स्टार्ट किया जाता है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस बंदे ने स्टार्ट करा है वो हमारे साथ एक तरीके से सारी की सारी चीजें जो है ट्रांसपेरेंट रखेगा, कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करेगा, यू नो एंड धांधली करने की कोशिश नहीं करेगा। ये बात बोलने लाइक उम्मीद की जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सामने वाला वैसा ही हो, है ना? हो सकता है कि वो फौजरी करे, वो आपको चीट करने की कोशिश करे, आपको फ्रॉड करने की कोशिश करे, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उसको ना निभाए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये प्रिंसिपल गाइडलाइंस जो है एक तरीके से इशू कराई गई है, बट इसको फॉलो करने वाले सारे लोग नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये कंपलसरी लाइक गाइडलाइंस नहीं है कि आपको फॉलो करना ही है ना? लाइक करना ही है, बट बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, वो इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, क्लियरली बोला है कि बिजनेस जो है वो खुद को कंडक्ट और गवर्न करेगा विद एथिक्स, लेकिन एथिक्स का कोई रूल नहीं है। एथिक्स लाइक इज अ मोरल वैल्यू, अ काइंड ऑफ मोरल वैल्यू बोल सकते हो, मोरल चीजें जो है हो गया। जैसे कि आप किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे, ठीक है? आपका बिजनेस ऐसा नहीं होगा जिसके जरिए एनिमल्स को चोट पहुंचे या किसी को कोई नुकसान हो, बट लोग ऐसा करते हैं, है ना? तो ये सिर्फ गाइडलाइंस है, ये लॉज नहीं है कि आप प्रूफ कर दोगे तो ही कुछ हो पाएगा, ठीक है ना? तो बिजनेस को जो है एथिक्स के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ और अपनी एक अकाउंटेबिलिटी जो है सोसाइटी को लेकर के रख करके उनको अपने बिजनेस को रन करना चाहिए। तो सब ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है बिजनेस शुड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर सेफ एंड कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबिलिटी थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। सिंपल सी बात जो मैंने अभी बोली वही बात बोली है कि जो बिजनेस जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो लोगों के लिए सेफ हो, वो सोसाइटी में एक तरीके से सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करे थ्रू आउट जो भी उसका उस प्रोडक्ट का लाइफ टाइम है, वो लोगों की हेल्प करे, लोगों का मदद करे, उसका यूटिलिटी जो है ठीक तरीके से उसको यूटिलाइज किया जा सके। बिजनेस को ऐसे प्रोडक्ट का ही निर्माण करना चाहिए जिसका कोई हार्मफुल इम्पैक्ट जो है हमारे सोसाइटी के ऊपर, हमारे एनवायरमेंट के ऊपर ना पड़े। थर्ड पॉइंट है बिजनेस शुड प्रमोट द वेलबींग ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। तो ये तो लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप अपने आपके यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय अगर आपके साथ में काम कर रहा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनका ख्याल रखें, आप उनके बारे में सोचें, आप उनके वेलबींग के बारे में सोचें, आप उनके वेलबींग को प्रमोट करें, आप उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें, डिफरेंट चीजें करके जो है उनकी वेलबींग को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज की जा सकती है बाय द बिजनेसेस। बिजनेसेस ऐसा करती भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करती हैं, बट मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो कि छोटी हैं वो ऐसा नहीं कर पाती हैं, उनकी गलती नहीं है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएंगी या जैसे जैसे आपके पास पैसे आते जाएंगे, आप अपने इंप्लॉयज के ऊपर खर्च करने लगते हैं। पहले के जमाने में ये चलन नहीं था, लेकिन अभी ये बहुत चलन है, क्योंकि इंप्लॉयज सिर्फ आपके लिए इंप्लॉय नहीं है, वो आपके लिए एक रिसोर्स है, वो एक ह्यूमन रिसोर्स है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से रखेंगे तो वो आपके लिए 100% काम करेगा, है ना? अपने काम को 100% लेवल पे जाकर के वो उस काम को करेगा, तो आप इससे आप ही का फायदा होने वाला है, ठीक है ना? तो वेलबींग के बारे में बात की जा रही है। फोर्थ पॉइंट है
Yeah. So the fourth point is business should respect the interest and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized. तो जो business होता है वो हमेशा सबके interest के बारे में उसको सोचना चाहिए. ऐसा नहीं कि किसी बंदे को कोई privilege प्राप्त है, किसी अच्छे post से आता है, किसी अच्छे घराने से आता है, तो सिर्फ उसी का हम ध्यान रखेंगे, बाकी सारे लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. एक business को respect करना चाहिए सभी लोगों के interest का, और साथ ही साथ उसको responsive भी होना चाहिए. वो ऐसा नहीं कि stakeholder में suppose government को मैंने जवाब दिया, लेकिन जब जो मेरे shareholders हैं वो जब मुझसे जवाब मांग रहे हैं तो मैं उनको कोई जवाब नहीं दे रहा हूं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको रिस्पॉन्सिव उन सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर के होना पड़ेगा जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना. और साथ ही साथ उन लोगों के लिए ज्यादा होना पड़ेगा जो कि डिसएडवांटेज है या वल्नरेबल है, जिसको नुकसान होने की जो है चांसेस ज्यादा होती है, जो मार्जिनलाइज्ड है, उसके लिए आपका जो है रिस्पॉन्स ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा सही टाइम पे होना चाहिए. पांचवा नंबर पॉइंट है बिजनेस शुड रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स. तो ये तो लाइक बहुत ही कॉमन सी चीज है कि बिजनेस को जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए ह्यूमन राइट्स को. एक मानव होने के रूप में आपका जो अधिकार है उसको प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिजनेसेस करती है. ठीक है. छठा नंबर पॉइंट है बिजनेस शुड रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट एंड मेक एफर्ट्स टू रीस्टोर द एनवायरनमेंट. तो हमारा एनवायरनमेंट आपको पता है कि बिजनेसेस जितने ज्यादा खुलेंगे एनवायरनमेंट को उतना ही नुकसान पहुंचेगा. एक टाइम ऐसा आएगा जब हर जगह बिजनेसेस देखेंगे आपको, एनवायरनमेंट तब तक एक तरीके से कंप्लीटली बर्बाद हो चुका होगा. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम नुकसान किसी तरह से पहुंचा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, बिजनेसेस को खोल करके, तो हम उसको उसकी भरपाई करने की भी कोशिश करें. तो हमें एफर्ट लगाना बहुत जरूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से रीस्टोर कर सकते हैं. अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले आप 100 पेड़ लगाएं, ये बहुत जरूरी है. इन सब चीजों को हमें जो है करना है. ठीक है. तीन और पॉइंट्स हैं, इसको भी करा देता हूं. बिजनेस व्हेन एंगेज्ड इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी शुड डू सो इन अ रिस्पांसिबल मैनर. तो जब भी कोई बिजनेस किसी एंगेजमेंट में फंसती है, आती है, जब वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, अपने एड्स दिखाती है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करके जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है कि आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदो एंड ऑल, तो उस तरह की चीजों में बिजनेसेस को जो है थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होकर के जो है अपने काम को करना चाहिए. जैसे कि आपने देखा होगा विमल पान मसाला में पहले जो है अजय देवगन था, फिर शाहरुख खान आ गया, फिर खिलाड़ी आ गया हमारा. तो ये जो चीजें हैं ये करने से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट. और सभी को पता है कि ये जर्दा पान मसाला वगैरह जो होता है, ये जो विमल वगैरह है, ये लॉन्ग टर्म में हेल्थ के लिए सही नहीं होता, शॉर्ट टर्म में भी सही नहीं होता, बट लोग इस्तेमाल करते हैं, आप मना नहीं कर सकते. दीज आर ऑल सिन प्रोडक्ट्स. इन सबको सिन प्रोडक्ट बोला जाता है, बट पीपल लव टू बाय इट, है ना. उनको पसंद आता है ये, पता नहीं क्यों पसंद है, जबकि उनको पता है कि उससे उनका नुकसान ही होगा. ठीक है ना. तो लेकिन आप जब अपना ऐड कर रहे हो तो आप इसको ऐसे मत दिखाओ कि ये बड़ा एकदम जोशीला चीज है, सारे यंगस्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, बड़ी अच्छी चीज है. ऐड में इस तरीके से मत दिखाओ. अब तुमको ऐड करना है करो, लेकिन ऐसा मत करो कि लाइक ये बहुत जरूरी चीज है, इसी से आप टशन में आपका होता है, नहीं तो ऐसा होता ही नहीं है. तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, है ना. तो एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में जो है आपको चीजों को करना होता है. आठवां नंबर पॉइंट है बिजनेसेस शुड सपोर्ट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट. बिजनेसेस को जो है सपोर्ट करना चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ को और इक्विटेबल डेवलपमेंट को. अरसलान रुक जाओ बेटा, अभी पढ़ा रहा हूं ना मैं, रुक जाओ. सॉरी. बिजनेसेस शुड सपोर्ट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट. तो बिजनेसेस को जो है इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सारे लोगों के ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए, और इक्विटेबल डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि रिच को रिच करना है, पुअर को पुअर करना है. तो सबके बारे में सोच करके आपको इक्विटेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो है आपको काम करना पड़ेगा, तो ही आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनोगे. और इन गाइडलाइंस में ये आठवें नंबर पे आता है. नौवां नंबर का गाइडलाइन हमारा है कि बिजनेस शुड एंगेज विथ एंड प्रोवाइड वैल्यू टू देयर कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर. ठीक है. तो बिजनेसेस को जो है अच्छी जो है वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए अपने कस्टमर्स को और अपने कंज्यूमर्स को, ताकि उनका जो है भरोसा बिजनेसेस के ऊपर हो, और बिजनेसेस को भी इससे फायदा होता है कि बिजनेसेस इससे और ज्यादा बड़ी हो पाती हैं. सो दीज आर द 9 प्रिंसिपल्स दैट वी हैव डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन. आप इसको पढ़ लेना. कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे में. ठीक है ना. और डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को नोट्स के लिए. जैसा कि मैंने आपको बताया कि नोट्स अवेलेबल है, आप कॉल या फिर व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको मेल पे सेंड कर दूंगा, या फिर अगर आपको ऐप पे परचेस करना है तो आप ऐप पे भी परचेस कर सकते हैं. मिलते हैं अगले क्लास में. अपना ख्याल रखिए. बाय. थैंक यू.